इलेक्ट्रिकल ड्राइंग किस प्रकार से हम पढ़ते हैं उस पर मैंने टोटल पंद्रह वीडियो बना चुका हूँ लेकिन ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली ड्राइंग पढ़ना सिखाऊंगा जो कि कोई भी आपको उस टाइप से एक्सप्लेन नहीं करेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास में दो ड्राइंग है ओके ये वाला जो ड्रॉइंग है ये पावर वायरिंग है और ये कंट्रोल वायरिंग है तो देखिएगा ये जो सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम को दो मोटर के लिए बनाया गया है जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ एम वन और यहां पे एम टू यानी कि हमारे पास में दो मोटर है ओके अब ये जो दोनों मोटर है इन दोनों मोटर में से मोटर नंबर वन को सबसे पहले चालू किया जाता है उसके बाद मोटर नंबर टू ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद ऑन हो जाएगा किस प्रकार से मोटर नंबर टू ऑटोमेटिकली ऑन होगा जब मैं कंट्रोल वायरिंग एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ जाओगे ओके अभी यहां पे आप देखिए कि ये जो दोनों मोटर है इन दोनों मोटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए यहां पे पावर वायरिंग बनाया गया है तो सबसे पहले आप पावर वायरिंग को समझ लीजिए पावर वायरिंग में आप देख सकते हो यहाँ पे आर वाई बी न्यूट्रल यानी कि थ्री फेज का पावर सप्लाई है और न्यूट्रल पावर सप्लाई है अब इन पावर सप्लाई को ले जाके जो हमारा मोटर होता है उस मोटर को पावर सप्लाई दिया जाएगा लेकिन इसके पहले आप देख सकते हो यहां पर एक फ्यूज लगाया गया है ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये फ्यूज का सिंबल है ओके तो तीनों फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को ले जाके फ्यूज के साथ कनेक्ट किया गया है सबसे पहले अब इससे जो पावर सप्लाई जाएगा आप देख सकते हो पावर सप्लाई चला गया हमारे कॉन्ट्रेक्टर के लिए यहां पे लिखा हुआ है M1 M1 का मतलब यह है कि जो हमारा पहला मोटर है उस मोटर को चालू करने के लिए जो कॉन्ट्रेक्टर है उसका नाम M1 है तो एम वन कॉन्ट्रेक्टर जो है उसको इनपुट पावर सप्लाई यहां से ला के दे दिया गया है उसके बाद इससे जो पावर सप्लाई जा रहा है वो जा रहा है रिले के लिए यानी कि दोस्तों जो हमारा थ्री फेज का पावर सप्लाई है उसको ले जाके सबसे पहले फ्यूज में कनेक्ट किया गया है तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे पास में एक फ्यूज है तो हमारा जो थ्री फेज का पावर सप्लाई होगा उसको लाके फ्यूज में इनपुट पावर सप्लाई दिया जाएगा और इससे जो आउटपुट पावर सप्लाई निकलेगा उसको ले जाके हमें कॉन्ट्रेक्टर के साथ में कनेक्ट करना होगा तो ये हमारा कॉन्ट्रेक्टर है अब अब इस इस को थ्री फेज का पावर सप्लाई यहां पे L1, L2, L3, इन तीनों टर्मिनल कनेक्ट करना होगा ओके अब इस के नीचे में आपको ओवरलोड रिले को कनेक्ट करना होता है ये हमारे पास में ओवरलोड रिले है इस ओवरलोड रिले को हम क्या करेंगे कॉन्ट्रेक्टर के नीचे में इस टाइप से माउंट कर देंगे तो इस पॉइंट पे जो पावर सप्लाई आएगा वो ओवरलोड रिले से होते हुए हमें इन तीनों पॉइंट पे मिलेगा अब इन तीनों टर्मिनल पे हम मोटर के केबल को कनेक्ट कर देंगे और मोटर को डायरेक्टली पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे अच्छा दोस्तों एक बात बताइए कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या होती है क्या वो स्क्रू ड्राइवर है या फिर कंप्यूटर नहीं दोस्तों ये दोनों नहीं है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल उसका स्किल सेट होती है इसी बात को ध्यान में रखते हुए अन्यडमी की तरफ से सभी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए इस वीक मल्टीपल इवेंट रखा गया है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इलेक्ट्रिक व्हीकल पे वर्कशॉप दिया जाएगा इस वर्कशॉप में आपको ये बता

साथ ही साथ में इन सभी वर्कशॉप का आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कुछ नया सीखने को तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर लीजिए इवेंट के लिए क्योंकि इवेंट का सीट बहुत ही लिमिटेड है चलिए आगे बढ़ते हैं अब जो हमारा सेकेंड मोटर है उस मोटर का नाम दिया गया एम और एम के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्टर और ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया गया है अब इनको भी पावर सप्लाई देने के लिए जो कॉन्ट्रेक्टर है उसी कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर से वायर को लूप किया गया है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आर फेस से एक वायर को लूप करके इस कॉन्ट्रेक्टर को पावर सप्लाई दिया गया है वाई फेस से भी और बी फेस से भी यानी कि तीनों फेस का पावर सप्लाई कॉन्ट्रेक्टर को प्रोवाइड किया गया है ओके अब इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिवाइस लगाया गया है जिसमें लिखा हुआ है वी और ए वी का मतलब होता है वोल्टेज ए का मतलब होता है करेंट यानी कि ये जो डिवाइस है ये एक प्रकार का मीटर है जिसके द्वारा हम वोल्टेज और करंट को मेजर कर सकते हैं तो ये जो डिवाइस है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा ये जो मेरे पास में डिजिटल वोल्ट मीटर और मीटर है इसी का पूरा का पूरा यहाँ पे कनेक्शन बताया गया है यहाँ पे हमें वोल्टेज शो वो हो जाएगा यहाँ पे करंट अब इस मीटर के द्वारा जो करंट मेजर किया जाएगा उस करंट को मेजर करने के लिए हमें सीटी का इस्तेमाल करना पड़ता है इस टाइप का आपको सीटी इस्तेमाल करना पड़ेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीटी भी लगाया गया है जिसका कनेक्शन मीटर के साथ में किया गया है अब ये जो डिजिटल मीटर है इस डिजिटल मीटर के डिस्प्ले को ऑन करके रखने के लिए हमें इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा आपका जो डिजिटल मीटर है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एल और एन लिखा हुआ है यानी कि आपको फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा इसके डिस्प्ले को ऑन रखने के लिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे आर फेस का जो पावर सप्लाई आया है इसको ले जाके मीटर के साथ कनेक्ट किया गया है और न्यूट्रल पावर सप्लाई को भी ले जाके मीटर के साथ कनेक्ट किया गया है इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे दो और वायर कनेक्ट किया गया है आर फेस के साथ और वाई फेस के साथ यानी कि इस मीटर के द्वारा वोल्टेज को मेजर करने के लिए दो वायर को कनेक्ट किया गया है यानी कि आप यहां पे देख सकते हो आर फेस का और वाई फेस का इन दोनों के बीच में वोल्टेज क्या होगा उसका ही मेजरमेंट हमारा ये मीटर कर पाएगा बी फेस में कोई भी वायर कनेक्ट नहीं किया गया यानी कि बी फेस का वोल्टेज ये मेजर नहीं करने वाला ओके अब इसके बाद यदि आप देखोगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा एस पी पी एस पी पी का फुल होता है सिंगल फेस प्रिवेंटर तो ये जो सिंगल फेस प्रिवेंटर है वो प्रिवेंटर हमारा कुछ इस टाइप से दिखता है ये जो डिवाइस है ये डिवाइस हमें ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज फेस लॉस फेस सिक्वेंस इस टाइप का जो भी वोल्टेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उन सभी प्रॉब्लम से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इसमें आपको सिंपली क्या करना होता है कि ये जो तीन टर्मिनल है एल वन एल टू एल थ्री इस पर आपको थ्री फेज का पावर सप्लाई ला कनेक्ट करना होगा अब यहाँ पे जो थ्री फेज का पावर सप्लाई आप प्रोवाइड करोगे उसका ये वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा और उस मेजरमेंट में यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो इसका जो अग्जरी कॉन्टेक्ट है उस कॉन्टेक्ट को चेंज कर देगा ये जो मेरे पास में सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम में जितने भी डिवाइस इस्तेमाल किया गया है उन सभी डिवाइस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ जैसे कि वोल्ट का, सिंगल उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी वीडियो को एक एक करके देख लीजिएगा जिससे कि आपको हर एक डिवाइस का वर्किंग वायरिंग और कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए ओके अब इस के द्वारा किस प्रकार से मोटर को प्रोटेक्ट किया जाता है उसको आप कंट्रोल वायरिंग में समझोगे ओके तो जब भी आप कभी कंट्रोल वायरिंग को पढ़ने जाओ तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कंट्रोल वायरिंग कितने वोल्टेज पे किया गया है तो जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है कंट्रोल सप्लाई 230 वोल्ट एसी यानी कि सिंगल फेज का एसी पावर सप्लाई इस्तेमाल किया गया है पूरा का पूरा कंट्रोलिंग करने के लिए अब यहां पे जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है इस न्यूट्रल पावर सप्लाई को डायरेक्टली प्रोवाइड किया गया है हमारे इन डिवाइस को यहां पे लाइन बना नहीं हुआ है तो मैं आपके लिए बना देता हूं ये जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है न्यूट्रल पावर सप्लाई हमारा चला जाएगा और ये जो तीनों के तीनों है इनको न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जाएगा ओके इसके बाद आप देख सकते हो यहां पे दो छोटी छोटी डिवाइस लगाया गया है ये डिवाइस क्या है समझिए देखिए ये जो आप सिंबल देख रहे हो ये सिंबल हमारा ओवरलोड रिले का एनसी कांटेक्ट कॉन्टेक्ट का है यानी कि जो पावर वायरिंग में ओवरलोड रिले इस्तेमाल किया गया था इन ओवरलोड रिले का जो एनसी कांटेक्ट कॉन्टेक्ट होता है उस एनसी कांटेक्ट कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है एनसी कांटेक्ट कॉन्टेक्ट इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि यदि एनसी कांटेक्ट कॉन्टेक्ट हमारा ओपन हो जाए तो उस कंडीशन में इसका जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोलिंग ब्रेक हो जाए और जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर है कॉन्ट्रेक्टर ऑफ हो जाएंगे ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये का नहीं है यहां पे सिंबल मोटर का बनाया गया लेकिन ये कॉन्ट्रेक्टर के लिए इस्तेमाल किया गया है ओके तो इसको आप कॉन्ट्रेक्टर ही समझ के चलिएगा तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्टर इस कॉन्ट्रेक्टर के न्यूट्रल पावर सप्लाई में ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्ट्रेक्ट इस्तेमाल किया गया है यानी कि ये जो दोनों मोटर है इन दोनों मोटर के द्वारा यदि ज्यादा करंट लिया जाएगा तो उस कंडीशन में ओवरलोड इस एनसी कॉन्टेक्ट को ओपन कर देगा यानी कि यहां से न्यूट्रल पावर सप्लाई को आगे फ्लो नहीं होने देगा जिस कारण से हमारा जो मोटर है मोटर हमारा बंद हो जाएगा ओके तो ओवरलोड का इस्तेमाल यहां पे किया गया है अब कंट्रोल वायरिंग के लिए जो फेस सप्लाई इस्तेमाल किया जाएगा उस फेस सप्लाई को सबसे पहले ले जाके फ्यूज में कनेक्ट करना होता है आपको यहां पे फ्यूज का इस्तेमाल इसलिए करना होता है क्योंकि आपका जो फ्यूज होगा वो फ्यूज आपके कंट्रोल वायरिंग के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा तो फ्यूज से पावर सप्लाई यह है टोगल स्विच में तो ये जो टोगल स्विच है इस टोगल स्विच को यदि हम ऑन कर देंगे तो उस कंडीशन में ही कंट्रोल पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा इसके बाद आप देखोगे टोगल स्विच से जो पावर सप्लाई जा रहा है वो जा रहा है है कि कि मैंने आपको SPP का फुल फॉर्म बताया था सिंगल सिंगल फेस फेस प्रिवेंटर प्रिवेंटर यानी ये जो हमारा सिंगल फेस प्रिवेंटर है, इस प्रिवेंटर का जो एनसी कॉन्टेक्ट है उस एनसी कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल यहां पे किया गया है एनसी कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल इसलिए करना होता है क्योंकि जो हमारा प्रिवेंटर है वो वोल्टेज को मोनिटर करेगा और वोल्टेज ओके होने के बाद ही कंट्रोल पावर सप्लाई को आगे फ्लो होने देगा यदि सिंगल फेस प्रिवेंटर का एनसी कांटेक्ट ओपन कंडीशन में है तो आगे कंट्रोल पावर सप्लाई फ्लो नहीं हो पाएगा और आगे कंट्रोल पावर सप्लाई फ्लो नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप मोटर को चालू नहीं कर पाओगे अब सिंगल फेस प्रिवेंटर से जो पावर सप्लाई जा रहा है वो जा रहा है स्टॉप पुश बटन के लिए यानी कि ये जो दोनों मोटर है इन दोनों मोटर को बंद करने के लिए केवल एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल किया गया है अब इस स्टॉप पुश बटन से जो पावर सप्लाई जा रहा है वो जा रहा है सेलेक्टर स्विच में ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये सिंबल हमारा सेलेक्टर स्विच का है यानी कि आपके पास में इस टाइप का एक सेलेक्टर स्विच होगा जिसमें आप पावर सप्लाई स्टॉप पुश बटन के द्वारा प्रोवाइड करोगे अब इस सेलेक्टर स्विच में आपको टोटल 3 पोजीशन मिलेगा 0 1 2 0 का मतलब ऑफ होता है वन का मतलब कि पोजिशन नंबर वन और टू का मतलब होता है कि पोजिशन नंबर टू यदि आप पोजिशन नंबर वन पे सेलेक्ट करोगे तो आपका पावर सप्लाई एक तरफ फ्लो होगा और यदि आप पोजिशन नंबर टू सेलेक्ट करोगे तो दूसरे तरफ पावर सप्लाई फ्लो होगा ओके तो ये जो सिलेक्टर स्विच है इस सिलेक्टर स्विच में लिखा गया है ऑटो मैनुअल यानी कि इस सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल ऑटो और मैनुअल में मोटर को रन करवाने के लिए इस्तेमाल किया गया है अब यदि आप सेलेक्टर स्विच को ऑटो पे सेलेक्ट करते हो, मान लेते हैं कि एक नंबर पोजिशन हमारा ऑटो के लिए और दो नंबर मैनुअल के लिए तो यदि हम इस सेलेक्टर स्विच को रोटेट करके एक नंबर पोजिशन सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में कंट्रोल पावर सप्लाई इधर फ्लो होगा और यदि आप इसको दो नंबर पे सेलेक्ट करोगे तो इस कंडीशन में कंट्रोल पावर सप्लाई इस तरफ फ्लो होगा आप देख सकते हो यहाँ पे दो अलग अलग सर्किट बनाया गया है एक ऑटो के लिए और एक मैनुअल के लिए यानी कि ये जो हमारा दोनों मोटर है इन दोनों मोटर को रन करवाने के लिए हम ऑटो में भी रन करवा सकते हैं और मैनुअली भी रन करवा सकते हैं

अब इस सिलेक्टर स्विच में जो एक नंबर का पोजिशन है उससे एक वायर को ले जाके स्टार्ट पुश बटन को पावर सप्लाई दिया गया है और वहां से पावर सप्लाई चला गया है सीधे ही मोटर नंबर वन के लिए तो मोटर नंबर वन जो है हमारा वो कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा चालू होगा और कॉन्ट्रेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे एम वन लिखा हुआ है और ये हमारा एम वन है तो इस कॉन्ट्रेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया होल्डिंग के लिए यानी कि आप यदि केवल एक बार पुश बटन को प्रेस कर दो तो आपका कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाएगा और कॉन्ट्रेक्टर को होल्ड करके रखने के लिए एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल किया गया है और इस एनो कॉन्टेक्ट को स्टार्ट पुश बटन के पैनल में कनेक्ट कर दिया गया है ओके तो इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा अब यहां पे जो दो नंबर का पोजीशन है इस पोजीशन से एक वार को लाके दूसरे पुश बटन में पावर सप्लाई दिया गया है आप देख सकते हो यहां पे पे लिखा हुआ है है ऑन और यहां यहां E3 यानी कि तीसरा नंबर का स्विच आप देख सकते हो पे एक स्विच है यहां पर एक स्विच है और एक यहां पे स्विच है कुल मिला के तीन पुस बटन का इस्तेमाल किया गया है इन दोनों मोटर को चालू करने के लिए अभी के टाइम पे E2 जो स्विच है उसके द्वारा हम मोटर नंबर वन को चालू करेंगे और इथरी जो स्विच है इसके द्वारा हम मोटर नंबर टू को चालू करेंगे इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए एक पुश बटन लगाया गया है और इसके पैलर में एनो कॉन्टेक्ट लगाया गया उसी कॉन्टैक्टर का तो डीओ एल स्टार्टर ये हमारा हो गया ओके अच्छा यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा कि यहां पे एक वायर आया और यहां पे वायर गया है आप देख सकते हो इसके बीच में कोई भी पॉइंट नहीं बना हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट बना है यहाँ पे पॉइंट बना है ये जो पॉइंट होता है वो होता है वायर ज्वाइंट का यानी कि ये जो पावर सप्लाई जा रहा है वो इस वायर में जा रहा है तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बना हुआ है इसका मतलब ये है कि इस वायर के साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है इस वायर से जो पावर सप्लाई जा रहा है वो डायरेक्टली इस पॉइंट पे जा रहा है यानी कि हमारे मोटर नंबर टू के लिए जा रहा है ओके तो इस ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच में जो मैनुअल वाला पोजीशन है इस पोजीशन पे सिलेक्शन करने के बाद हम किस प्रकार से इन दोनों मोटर को चालू और बंद करेंगे उसके बारे में हमने समझ लिए अब हम यहाँ पे ऑटो पोजिशन को समझ लेते हैं देखिए यदि आप इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजिशन पे सेलेक्ट करोगे तो पावर सप्लाई जो हमारा इधर की तरफ से आ रहा है वो चला जाएगा इस साइड और यहाँ पे आप देख सकते हो एक पुश बटन को कनेक्ट किया गया है ये पुश बटन हमारा E1 है यानी कि जो पुश बटन इस्तेमाल किया जाएगा उसका नाम ई है ओके अब यदि इस पुश बटन को यदि हम प्रेस करेंगे तो पावर सप्लाई आगे जाएगा और यहां पे आप देख सकते हो एक स्विच लगाया गया है कौन सा स्विच है इसको पता करने के लिए आप देख सकते हो यहां पे नाम लिखा हुआ है एस एस वन यानी कि ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसी सेलेक्टर स्विच का एनो कॉन्टेक्ट और इस्तेमाल किया गया है

तो ये जो एनो कॉन्टेक्ट है ये एनो कॉन्टेक्ट हमारा एनसी में तब कनेक्ट होगा जब आप इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजिशन पे सेलेक्ट करोगे यानी कि इसको जैसे ही आप ऑटो पोजिशन पे ये एनो से एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि आप यदि स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करोगे तो पावर सप्लाई यहां से फ्लो होते हुए मोटर को चालू कर देगा अब जैसे ही ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इसका जो एनो कॉन्टेक्ट है वो एनो से एनसी में बदल जाएगा जिससे कि यहाँ से होल्डिंग सर्किट बन जाएगा ओके अब होल्डिंग सर्किट बनने के बाद आप देख सकते हो यहां से एक बार करने करके टाइमर को भी पावर सप्लाई प्रोवाइड किया गया है यानी कि मोटर नंबर वन जैसे ही चालू होगा उसके साथ साथ ही टाइमर का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा इस टाइमर में जीरो से लेकर सिक्सटी सेकेंड का टाइम सेट किया जा सकता है यानी कि जितना आप टाइम सेट करोगे उतना टाइम कंप्लीट होने के बाद इस टाइमर का जो एनो कॉन्टेक्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल किया गया है ये एनो कॉन्टेक्ट एनसी में बदलेगा और इसके एनसी में बदलते ही क्या होगा पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए डायरेक्टली हमारे मोटर नंबर टू को चालू कर देगा यानी कि इतना सर्किट डायग्राम को आप देख के ये समझ सकते हो कि जब हम स्टार्ट पुज बटन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले हमारा मोटर नंबर वन ऑन होगा और मोटर नंबर वन के ऑन होते ही हमारा टाइमर का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और टाइमर में जितना भी हम टाइम सेट करेंगे उतना टाइम कंप्लीट होने के बाद इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एन में बदल जाएगा और यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए मोटर नंबर टू को चालू कर देगा ओके दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे यह बता दीजिएगा कि मैंने जो आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ने का तरीका बताया क्या आपको वो समझ में आया कि नहीं आया प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ओके चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद